अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है, ये नाम पता इसकी शनाख्त अब तक हुई नहीं है। वहाँ पे इसके हाथ पैर बंधे हुए थे चुन्नी से बगैर सर नदी में पानी की तरफ और पैर पटरी की तरफ। फॉरेंसिक टीम वहाँ जाके मुकम्मल जा किया और फिर उसके बाद डेड बॉडी को बाहर निकलवा के डेड हाउस जीएस पानी में। शनाख्त नहीं हुई है, अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। मतलोड़ा में जोशी गांव के पास हांसी ब्रांच नहर में करीब 30 साल की एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। शव बोरी से लपेटकर व पत्थर से बांधकर नहर में फेंका गया था। महिला के पैर भी रस्सी से बांधे गए थे। महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। शव ज्यादा दिन पुराना नहीं लग रहा है। महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि महिला के शव को मिले हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लगातार सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये महिला कहां की रहने वाली थी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि महिला के शव को खुर्दबूद करने के लिए तरीका अपनाया गया था और जिस तरह से महिला के शव को बोरी से लपेटा गया है, उसके बाद उसके ऊपर रस्सी से लपेटा गया है, तो महिला की हत्या जो है वो की गई है, ऐसा पुलिसकर्मी का कहना है। आपको बता देते हैं कि जोशी गांव के रहने वाले 2 दोस्त हांसी ब्रांच नहर के पास रील बना रहे थे। इसी बीच उनकी नज़र नहर में पड़ी एक बोरी पर गई। दोनों बच्चे बोरी के पास गए तो बोरी में महिला का शव लिपटा हुआ दिखा। बच्चों ने डरकर अपने परिजनों को व पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में था, उसके पैर रस्सी से बंधे थे, पेट पर वजनी पत्थर रस्सी से बंधा था और पीछे की तरफ बोरी बांधी गई थी। एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कंट्रोल रूम में बीटी आई, भाई ऐसी ऐसी रेड बॉडी बुटाना हसी ब्रांच में लेडीज की पड़ी है। 112 मौके पर गई, 112 पे सूचना दी। गांव के व्यक्ति का नाम है जिस पर अप्लीकेशन लेके पर्चा दर्ज किया है, शायद रमेश नाम उसका। वो 112 मौके पर पहुंची, फिर थाने से पुलिस स्टेशन से मेरे पास फ़ोन आया MHC का। उन्हें सारी घटना बारे बताया। मैं तुरंत सौदापुर से वापस और सहित मौके पर पहुंचा, जहां पर मैंने मौका मुलाजा किया, निरीक्षण किया तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है, ये नाम पता इसकी शनाख्त अब तक हुई नहीं है। वहाँ पे इसके हाथ पैर बंधे हुए थे चुन्नी से बगैर सलेवार और हाथ पैर बांध के पत्थर छाती के बांध के इसको सर नदी में पानी की तरफ और पैर पटरी की तरफ थे। हांसी ब्रांच नहर में निर्माण कार्य के चलते पानी को रोका गया है, इसी वजह से नहर में 2 से 2.5 फुट ही पानी रह गया है, इसलिए दोनों किशोरों को शव नहर में बोरी में लिपटा हुआ नजर आ गया। शव को देखने पर पता लग रहा है कि शव अभी ज्यादा दिन पुराना नहीं है। ऐसे में पुलिस स्टेट हाईवे व आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस पिछले 2 से 3 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग खंगाल रही है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि आशंका है कि महिला किसी और इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए महिला के शव की फोटो आसपास के गांव व नजदीक जिलों में भेज दी है। वहीं सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की एक टीम आसपास की फैक्ट्री व फार्म पर रहने वाले परिवारों के पास जाकर फोटो दिखा रही है और पूछताछ कर रही है। तो अपील रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैंने हेडक्वार्टर पे फॉरेंसिक टीम को सूचना दी, फॉरेंसिक टीम वहाँ जाके मुकम्मल जा किया और फिर उसके बाद डेड बॉडी को बाहर निकलवा के डेड हाउस जीएस पानी में। शनाख्त तो नहीं हुआ सर, अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। ये तो साफ तौर पर कुछ मर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, मर्डर की ऐसा लगा, मर्डर है। दुष्कर्म की भी आशंका हो सकती है सर? हो सकती है, वो भी निरीक्षण कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, पता चल जाए। किसी तरह की और चोट के निशान तो नहीं सर? नहीं, और चोट के तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे जीभ थोड़ा मुँह भारी है, तो शायद पक्का नहीं कह सकता, शायद गला दबाया हो, ये तो अपनी आईडी है जी। और मर्डर ही लगता है, इसमें FIR कल ही दर्ज कर दी
302/201 IPS मतलब। तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें नहर के पास की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 30 साल की एक महिला अर्धनग्न अवस्था में थी। हालांकि हम आपको पूरी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। महिला के शव पर बोरी लपेटी गई है और उसके ऊपर से रस्सी बांधी गई है। इसके अलावा महिला का शव ऊपर की ओर ना आ सके, इसलिए हत्यारे ने शव के साथ 40 किलो वजन का एक पत्थर लटका दिया था। लेकिन नहर के में काम चल रहा है, जिसके चलते नहर में पानी कम था और जिसकी वजह से शव ऊपर की ओर आ गया और बच्चों ने इस शव को देख लिया और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक 2 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।